गाइस वेलकम टू एआर के मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विड आरएक्सटी के बारे में, जो कि 1000 सीसी के अंदर भी ऑफर किया जाता है और 800 सीसी के अंदर भी। तो कुछ गाड़ी का लुक ऐसा ही रहता है 800 सीसी में भी, 1000 सीसी में। उसके अलावा अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस गाड़ी की चाबी कैसी आती है, तो वो आप देख सकते हैं कि ये वाली गाड़ी की चाबी आती है कुछ जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक लॉक अनलॉक का स्विच आता है और आपका एक जो चाबी आती है बिल्कुल सिंपल आती है, नॉर्मल आती चाबी। तो गाड़ी का कुछ फ्रंट लुक ऐसा रहता है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे DRLs में जाते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट, जो कि काफ़ी गाड़ी की लुक को शानदार बनाते हैं। उसके अलावा ये आप कलर देख सकते हैं, ब्रॉन्ज कलर है। इस कलर के अंदर गाड़ी जो लग रही है वो एक ही नंबर की नज़र आती है गाड़ी। कुछ गाड़ी का ये फ्रंट से ये लुक आएगा, अगर रोड प्रेजेंस देखे गाड़ी की तो काफ़ी शानदार रोड प्रेजेंस देती है गाड़ी। उसके अलावा इसके नीचे जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर हेडलाइट नीचे दिया हुआ है, ऊपर है DRLs। तो पहले वाली क्विड के मुकाबले में इसका लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। इसके अंदर आपको लो बीम हाई बीम अलग अलग दिया हुआ है, वो बीम अभी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है वो। तो जैसा कि इसकी लाइट अगर हम ऑन करेंगे तो लाइट का जो व्यू आएगा वो आप देख सकते हैं, ये इसकी लाइट आ जाती है लो बीम में, और हाई बीम के अलावा इसके अंदर ये लाइटें आ जाती है इसके अंदर। तो दोनों लाइटों का सेपरेशन अच्छा दिया गया है। और इसके अंदर अगर फॉग लाइट के लिए कोई जगह नहीं है तो यही वाली जो चीज़ है आपकी, यही आपका फॉग लाइट का काम करती है। ये वाली लाइट सेपरेशन है इसके अंदर, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये वाली लाइट ऑन है, ये वाली लाइट ऑफ है, हाई बीम के अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेनो की बैजिंग यहाँ पे लाइट के ऊपर भी दी गई है, और यहाँ पे ये एक छोटी सी चीज़ आ जाती है। उसके अलावा ये कुछ गाड़ी का फ्रंट आपका रहेगा आगे से देखने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो बम्पर भी जो यूज़ किया गया है वो ड्यूल टोन बम्पर यूज़ किया गया है गाड़ी के अंदर, ये आ जाता है। अगर इसकी एक्स शोरूम की बात करूँ तो गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है 463,000 रुपये है हरियाणा के अंदर। बाकी अगर आप दिल्ली से वेरीज़ करते हैं तो ये प्राइस आपका कुछ कम भी हो सकता है, बाकी अदर स्टेट में ये प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये वाला गाड़ी का साइड का लुक आ जाता है, पूरी आप गाड़ी देख सकते हैं इसी फ्रेम के अंदर की गाड़ी कितनी शानदार नज़र आती है। और इस पर 1.0 लीटर की बैजिंग भी दी गई है इसके अंदर, बिल्कुल देख सकते हैं सिल्वर कलर के मिरर आते हैं इसके अंदर। बाकी अगर आप इससे नीचे वाली RXT लेते हैं तो उसमें ब्लैक कलर के आपको मिरर मिलते हैं, और ये जो यहाँ पे स्टिकर पे आपको 1.0 दिया हुआ है ये उसके अंदर जो मिलता है वो ब्लैक कलर का मिलता है, दोनों चीज़ें। तो यही एक पहचान होती है RXT की, 1000 सीसी वाली की और नॉर्मल की। उसके अलावा अगर आप टायर देखेंगे तो इसमें 14 इंचज़ के टायर्स आते हैं, कंपनी कुछ भी हो सकती है, किसी में अपोलो के आते हैं, किसी में सीएट के आते हैं। बाकी आप देख सकते हैं 165/17R14 के इसके अंदर टायर यूज़ किए गए गाड़ी के अंदर। उसके अलावा गाड़ी का आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिखा देता हूँ कि गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इसके अंदर सेगमेंट के आप सेकंड नंबर की गाड़ी कह सकते हैं, क्योंकि जो पहले नंबर पे है वो रेडी गो आ चुकी है 187 के साथ, पर इसका भी ग्राउंड क्लियरेंस कम नहीं है किसी भी मामले में। इसका जो आता है वो 184 mm आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है सेगमेंट के हिसाब से। और कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा कर देते हैं तो उसमें उसके कारण बॉडी रोल भी गाड़ी के अंदर ज़्यादा होता है। तो ये कुछ पीछे का इसका व्यू आता है, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये वाला पीछे का व्यू रहेगा। और इसके ऊपर भी जो LED स्ट्रिप लाइट दी गई है भी काफ़ी शानदार नज़र आती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और सेम इसी के नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका कैमरा मिल जाता है पीछे के लिए, और पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 3 सेंसर आते हैं, एक इधर, एक सेंटर में, और एक आपको साइड में दिया गया है। उसके अलावा पीछे से भी अगर आप डिपार्चर एंगल देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है गाड़ी का, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब ये गाड़ी का ओवरऑल लुक हो जाता है। छत पे भी आप देख सकते हैं, छत गाड़ी की कुछ ऐसी नज़र आती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो RXT की बैजिंग दी गई है यहाँ पर गाड़ी के ऊपर। अब चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बूट स्पेस गाड़ी। तो जो गाड़ी का अगर बूट स्पेस आप देखेंगे तो ये जो बूट स्पेस आप गाड़ी का देख पा रहे हैं, ये जो बूट स्पेस है ये 279 लीटर का आता है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो शिफ्ट से भी 1 लीटर ज़्यादा ये बूट स्पेस है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, उसके अलावा यहीं पे आपको पीछे अगर कुछ चीज़ें आप रखते हो यहाँ पे चार्ज करने के लिए उसका एक ऑप्शन मिल जाता है। और इस वाली सीट को ना तो हम डंबल, तो एक तरीके से फोल्ड सभी गाड़ियों की कर सकते हैं, पर अगर इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो ये वाली जो चीज़ है इसको दोनों साइड से खींच के हम इसको बिल्कुल फोल्ड करके और इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे पॉसिबल होता है ये, इधर की लोग हो जाती है। तो ये ऐसे गाड़ी की ये सीटें गिर जाती है। इसके अलावा निकालने का क्या प्रोसीजर वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा सा। तो ये गाड़ी का लॉक का ऑप्शन था। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसको अगर उठाएंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे ही सेम आप उधर से भी निकाल सकते हो, और गाड़ी की सीट को पूरा रिमूव करके आप इसको रख सकते हो। जो टोटल स्पेस इसके अंदर हो जाता है वो स्पेस मिलता है अपने को लगभग 620 लीटर के आसपास, इसमें एक्सपेंडेबल स्पेस आ जाता है।
फिर से एक बार दिखा देता हूँ लुक। अब इसके बाद चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है अपने को वो दिखा देते हैं। सेंटर लॉकिंग तो गाड़ी के अंदर आती है, तो अगर आप इसको मैनुअली खोलना चाहते हैं या फिर चाबी लगा के आप इसको खोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन गाड़ी का आएगा वो कुछ ऐसा आने वाला है। ये रहेगा गाड़ी का फर्स्ट पहले वाला। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 लीटर का बोतल होल्डर मिल जाता है आपको, और यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी है, काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं कि कितना सामान आप इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको क्लोज़ करने के लिए ये मिलता है। यहाँ पे कोई क्रोम वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है RXT के हिसाब से, और ये RXT ऑप्शनल वाला वेरियंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर यहाँ से बैठ के अगर हम ऐसे देखें तो हमें बोनट भी कहीं ना कहीं गाड़ी का दिखाई दे जाता है। उसके अलावा सबसे पहले अगर इंटीरियर में हम आएंगे तो सबसे पहले हम जो चीज़ इसकी चेकआउट करेंगे वो आता है सबसे पहले ये वाली चीज़ें। तो सबसे पहले ये लुक आता है इसका स्टेयरिंग का। तो स्टेयरिंग देखेंगे आप, यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है, ये जो रेनो का लोगो दिया गया है क्रोम के साथ पियानो ब्लैक के साथ आता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको वाइपर के ऑप्शन मिल जाते हैं, और उसके अलावा दूसरी साइड आपको लाइट ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे ही। उसके अलावा अगर इसको अगर हम ऑन करेंगे तो जो हमारे पास आएगा सबसे पहले ये वाली चीज़ आ जाती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा डिजिटल मीटर है। सेगमेंट में किसी भी गाड़ी के अंदर फुली डिजिटल मीटर ऑफर नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या आता है। सारी लाइटें यहाँ पे LED के अंदर हैं, और इस बीप के लिए चलिए मैं बंद करता हूँ इसको, बाद में जब इसकी बात करेंगे तब उसके अंदर बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल 9 किलोमीटर दिखाया गया है, तो मतलब गाड़ी जो अभी चली है टोटल 9 किलोमीटर चल चुकी है, ये टोटल रीडिंग है। उसके बाद यहाँ पे अपनी स्पीड की रीडिंग आएगी। उसके अलावा ये गाड़ी का और जो पेट्रोल का सिंबल है, यहाँ मतलब कि इतना किलोमीटर गाड़ी अभी चल सकती है जितना फ्यूल गाड़ी के अंदर है। यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है, तो इसके लिए ब्लैंक शो कर रहा है। बाकी LED जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो 2 तक जाएगी, अगर हाई हो जाता है तो यहाँ पे H वाली जो लाइट है ऊपर छोटी सी वो भी एक्टिव हो जाती है। उसके अलावा अगर इसको टैप करेंगे हम तो यहाँ पे आप इंस्टेंट में जो माइलेज आती है वो देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका टोटल किलोमीटर, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 9 किलोमीटर, पर ये टोटल 10.9 किलोमीटर के अराउंड ये गाड़ी वो हो चुकी है। उसके बाद ये आ जाता है कितना लीटर तेल यूज़ किया है इसने अभी तक। तो उसके बाद अगर देखेंगे आप यहाँ पे तो ये आ जाता है एवरेज कंजप्शन। तो जब गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई बनी तब से और अब तक जो इसने एवरेज दिए है वो यहाँ पे शो कर रहा है 4.7 किलोमीटर पर लीटर का। आप इसको रीसेट कर सकते हो, इसको टैप करके रखना है ये रीसेट हो जाएगा। एवरेज जो 1 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दिखा रहा है उसके अंदर 5.7 की एवरेज ये दिखा रहा है। वो बाकी सारी चीज़ें वही की वही है। वार्निंग लाइट सारी यहाँ पे आ जाती है कुछ, और कुछ इधर शो की हुई है। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो ब्लोअर का वेंट दिया गया है इसी का, यहाँ पे भी क्रोम का यूज़ किया गया है। आप इसको क्लोज या ओपन यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है पार्किंग की, या कुछ भी आप यूज़ करने वाली चीज़ें इसके अंदर आप लगा सकते हो, निकाल सकते हो कुछ रिमेंबर रखने के लिए, वो वाली चीज़ है। उसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये मिल जाता है आपको, हेडलाइट लेवलर आ जाता है यहाँ पे। उसके अलावा ये बोनट ओपन करने का ये मिल जाता है आपको। उसके अलावा मैं आपको पैडल्स दिखा देता हूँ नीचे कि कैसा क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पैडल है, ये क्लच वाला, ब्रेक और एक्सेलेटर, ये पैडल दिए गए हैं। उसके अलावा इस RXT के अंदर क्या जो आता है आप यहाँ से देखेंगे तो ये वाला इसके अंदर आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग का यूज़ किया गया है, ऑल ओवर यहाँ तक पियानो ब्लैक फिनिशिंग है। कहीं ना कहीं आप ये लगा सकते हैं कि झरने के फ्लो जैसा मतलब कुछ ऐसा दिया गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। उसके अलावा इस म्यूज़िक सिस्टम की भी अभी मैं बात करूँगा आपको, पर ये जो पावर विंडो की चीज़ है ये आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और इंस्टेंट में ये डाउन होते हैं और इंस्टेंट में ही ये आप हो जाते हैं बिल्कुल। तो आप जैसा इसको तुरंत ही अप डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको गाड़ी लॉक अनलॉक करने का स्विच है, आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे मैनुअल इसको नहीं करने की जरूरत, आप वैसे ही इसके अंदर सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे AC के कंट्रोल दिए जाते हैं जो कि सारे के सारे मैनुअल हैं। आपको ये बेसिक चीज़ें तो सभी को ज़्यादातर पता ही होता है, पर आप इसके अंदर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना USB लगाने का या एंड्रॉयड ऑटो चलाना हो अपने को तो यहाँ पे लगा सकते हैं ऑक्स का, और ये 12 वोल्ट का सॉकेट एक पीछे था और एक यहाँ पे। तो गाड़ी के अंदर जो टोटल अगर आप देखेंगे चार्जिंग पॉइंट, तो कहीं ना कहीं आप इसको भी चार्जिंग पॉइंट में कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी और लास्ट वाले को भी। तो ये सारी चीज़ों के बाद का गाड़ी के अंदर मतलब काफ़ी मतलब अगर यूटिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो 3 बंदे एक साथ अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे वॉलेट रखने के लिए, फ़ोन रखने के लिए अलग से सेपरेशन दिया गया है, और यहाँ पे भी हम चिलर विलर रख सकते हैं, ये स्पेस अलग से है। हैंड ब्रेक के लिए और पे यहाँ पे कोई क्रोम नहीं है, बल्कि 800 cc के अंदर यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया जाता है, पर इसके अंदर कोई क्रोम नहीं है। यहाँ पे गियर लेवर पे क्रोम मिल जाती है अपने को, और यहाँ पे जो मिरर देखेंगे तो ये पीछे का मिरर ये आ जाता है।
उसके अलावा यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर नहीं है, पर माइक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और आप ये देख सकते हैं एलईडी का ये ऑन ऑफ का यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे भी सेम एयरबैग का वार्निंग दिया गया है। क्योंकि ये ऑप्शनल वेरिएंट है तो इसके अंदर दो एयरबैग ऑफर किए जा रहे हैं, एक यहाँ पे आता है आपका और दूसरा यहाँ पे, और चारों पावर विंडो ऑफर की जा रही है। जो नॉर्मल वाला वेरिएंट आता है उसके अंदर आपको एक एयरबैग और दो पावर विंडो ऑफर की जा रही है। उसके अलावा ये आप देखेंगे ग्लव बॉक्स काफ़ी ज़्यादा डीप है, इसके अंदर आप कितना भी सामान रख सकते हैं। सेम जो बताया था मैंने स्पेस वो यहीं पे मिल जाता है आपको। और यहाँ पे इसके अंदर जो अलग चीज़ मिलती है अपने को, जो पहले नहीं ऑफर की जा रही थी, कि ये जो एडजस्ट करने पड़ते थे ये मैनुअली होते थे, अभी आप इनको यहाँ पे एक जॉयस्टिक दे दिए गए हैं तो आप इनसे इनको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लेग रूम हेड रूम की बात करते हो तो 6 फिट के बंदे तक बिल्कुल आराम से गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, और स्पेस भी काफ़ी गाड़ी के अंदर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये वाला स्पेस यहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है यहाँ पे बैठने के बाद, तो आराम से दो बंदे यहाँ पे बैठ सकते हैं, सीटों को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे मैं अभी कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ बिल्कुल। उसके बाद अगर हम पिछली सीट पर चलते हैं, पर उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप म्यूज़िक सिस्टम में आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे इसके अंदर सिक्योरिटी कोड नहीं डला हुआ है तो उसकी वजह से ये ऑन नहीं है, तो इसको ऑन करते हैं हम। तो ये जो बीप का साउंड आ रहा है आपका, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी कोड डला नहीं हुआ है। तो उसके बाद सबसे पहले रेडियो आ जाता है अपने पास, उसका मीडिया, और यहाँ पे ब्लूटूथ से अगर कॉलिंग करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सेटिंग का, यहाँ पे आ जाता है। मीडिया में अपने को क्या क्या मिलता है, मीडिया अगर देखेंगे तो सबसे पहले ऑक्स का ऑप्शन आ जाता है अपने पास। उसके बाद ऑडियो पेन ड्राइव के थ्रू, आईपॉड, ब्लूटूथ, और वीडियो अगर चलाने हमें तो 10 की स्पीड से नीचे ही वीडियो चलेंगे, वो भी पेन ड्राइव के थ्रू। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 480 पिक्सल तक ही ये सपोर्ट करता है म्यूज़िक सिस्टम। तो आप कहीं ना कहीं जब पेन ड्राइव के अंदर गाने डालते हैं तो उस टाइम पर याद रखिए कि 480 पिक्सल तक ही इसके अंदर चलेगा। तो चलिए अब पीछे की सीट का कंफर्ट दिखा देता हूँ और उसके बाद वीडियो को क्लोज करते हैं कुछ प्राइस के बारे में डिटेल करके। होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। अगर और भी आपकी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और आपको गाड़ी क्विड फेस 2 कैसी लगती है, या इसके अंदर जो भी आप शिकायतें हैं जो भी है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं या आप मेरे को भी बता सकते हैं वो चीज़ें। तो चलिए अभी पीछे की सीट पर चल के देखते हैं कि वहाँ पर कितना स्पेस है। तो ये वाली जो आप सीटें देखेंगे, ये मैंने इसको यहाँ पर सेट किया हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बूट खोलने के लिए और जो फ्यूल लीड होती है वो खोलने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर सबसे पहले हम पीछे आते हैं तो सबसे पहले ये दिखा देता हूँ यहाँ पे पावर विंडो का, जो पीछे वाली है, चारों पावर विंडो इसके अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। पर यहाँ पे कोई बोतल होल्डर वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। तो अगर मान लीजिए हम तीन बंदे बैठते हैं तो आराम से हम यहाँ पे ऐसे टच करके बैठ सकते हैं, यहाँ पे हमें कहीं पे भी किसी भी तरीके का अनकंफर्ट नहीं होने वाला है, बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। मेरी हाइट 5'7" है, तो उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ये स्पेस है मेरे पास। 6 फिट का बंदा अगर आप एडजस्ट करना चाहो तो बिल्कुल पीछे भी एडजस्ट कर सकते हो, आगे भी 6 फिट का, पीछे भी 6 फिट का। उसके बाद हेडरूम भी गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीटों का जो कम्फर्ट है, कहीं ना कहीं पुराने वाली क्विड के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा कंफर्ट है। तो अगर लॉन्ग राइड या कुछ भी हम करते हैं तो लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर होने नहीं वाली है। बिल्कुल हर बंदे के लिए यहाँ पे आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। और अगर सेफ्टी फीचर की इस गाड़ी की बात करूँ मैं आपकी, तो जो सेफ्टी फीचर ऑफर कर रही है ये गाड़ी, इसके अंदर आपको दो एयरबैग मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर, ABS, EBD, सीट बेल्ट, प्री टेंशनर, ड्राइवर साइड के लिए, और रिवर्स पार्किंग सेंसर, कैमरा विद गाइडलाइन आ जाता है आपको। और कैमरा मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कि पीछे का कैमरा कैसा है। पर इसके अंदर जो पीछे अगर आप देखेंगे गाड़ी के अंदर, तो पीछे के स्पीकर्स है वो इसके अंदर ऑफर नहीं किए जा रहे हैं, सिर्फ अगर आप क्विड भी लेंगे या क्लाइंबर भी लेते हैं तो उसके अंदर आपको जो स्पीकर ऑफर किए जाते हैं वो स्पीकर सिर्फ आगे आगे किए जाते हैं। आप क्विड RXL से लेके अगर क्लाइंबर तक भी जाते हो तो उसके अंदर दो ही स्पीकर ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं इसके ऊपर, ये देख सकते हैं इसके अंदर। अब चलिए मैं आपको पीछे का कैमरे का व्यू दिखा देता हूँ कि कैमरा इसके डिस्प्ले के अंदर कैसा शो होता है। तो आप मेरे को बताइएगा कि कौन सा फीचर आपको इसके अंदर सबसे बेस्ट लगा और कौन सा फीचर जो आप चाहते हैं कि कंपनी को मेनली अपडेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि शायद यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल आ जाने दें या कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी है जो ऐड होनी चाहिए थी। तो अगर बैक गियर हम लगाते हैं तो बैक गियर के अंदर ये कैमरे का व्यू आएगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा, कहीं ना कहीं आप ये लगा सकते हैं इस एरिया के अंदर गाड़ी जाएगी।
यहाँ तक लाइनिंग के हिसाब से, और येलो तक सेफ है, आप रख सकते हैं। रेड पे अगर टच हो जाती है गाड़ी पीछे अगर दीवार के साथ, तो मतलब बिल्कुल गाड़ी टच हो चुकी है उसके अंदर। तो ये थी क्विड के बारे में डिटेल। बाकी अगर ऑफर्स की अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर आपको, तो जो क्विड के अंदर अभी इस महीने के ऑफर्स है वो अभी नहीं किए गए हैं एक्टिव। उसके अलावा जो पिछले महीने था इसके अंदर 10,000 रुपये का कंज्यूमर ऑफर चल रहा था। उसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या जिनकी कोविड में ड्यूटी लगी हुई है उनके लिए कुछ के लिए 5,000 रुपये का, और कुछ के लिए 9,000-10,000 रुपये का, वेंडर के लिए अलग से। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डीलर जो भी नियर बाय है वहाँ से कन्फर्म कर सकते हैं। बाकी गाड़ी चलने में मैंने कई बार आपको चला के दिखा चुका हूँ, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो ये था एक क्विड का आपके लिए एक वो ग्राउंड रिव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा इसी तरीके की वीडियो के लिए। बिल्कुल आप यहाँ पे अगर देखेंगे, एक चीज़ बताना भूल गया कि ड्यूल टोन के अंदर यूज़ किया गया। ये ब्लैक है, ये कहीं ना कहीं ग्रे टाइप का लगता है अलग से, वहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। क्विड का यहाँ पे एक तरीके से दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गाड़ी अगर सेगमेंट के हिसाब से 4,63,000 के हिसाब से अगर देखी जाए तो फीचर लोडेड गाड़ी है, बिल्कुल आप परचेज़ करने की सोच सकते हो। और बाकी आपको गाड़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसी के साथ वीडियो क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार और दिखा देता हूँ पूरा व्यू गाड़ी का। कलर जो है, कलर आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज कलर है, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और अगर कुछ कमी रही हो वीडियो के अंदर तो प्लीज़ उसको सुधारेंगे आगे, कमेंट में बताइएगा आप। थैंक यू।